जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, भक्तमाल कथा के भक्तों के चरित्र के प्रधान श्रोता भगवान हैं। जहाँ कहीं भी भक्तों के चरित्र का गान होता है, उसे सुनने के लिए ठाकुर जी अवश्य आते हैं। ऐसा कई सिद्ध संतों के द्वारा, भक्तमाल के कथाकारों के द्वारा अनुभव में आया है और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। इस वीडियो में आप जिन भक्त का परम पावन चरित्र सुनने वाले हैं, वह बड़ा ही विलक्षण है। प्रेम से ओतप्रोत है, भक्ति से परिपूर्ण है। भगवान की लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले परम भक्त श्री माधवदास बाबा जी का जन्म संवत 1919 में विरज मंडल के डीग ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रारंभ से ही उनके भक्ति के संस्कार बड़े प्रबल थे, इसलिए बाल्यावस्था में ही वे घर छोड़कर वृंदावन चले गए। कोरिया घाट पर एक कुटिया में भजन करने लगे। माता पिता उन्हें खोजते खोजते वहां जा पहुंचे और उन्हें पकड़कर घर ले आए, पर उनका मन घर में कैसे लगता। जिसे एक बार वृंदावन में श्री कृष्ण की रास लीला स्थली यमुना पुलिन में भजन करने का चस्का लग जाए, उसका मन संसार में रमे कैसे। वे भगवान से निरंतर प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, मैं आपकी शरण हूँ, आप ही मुझे संसार बंधन से मुक्त कर उस पथ का पथिक बना सकते हैं जिस पर चलकर संतों ने आपकी पूर्ण कृपा प्राप्त की है। शीघ्र दया करो दयानिधि। अपने भक्तों के हृदय की पुकार भगवान अवश्य सुनते हैं। कुछ दिनों पश्चात ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। माँ ने श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा करा लाने को कहा। वे उन्हें लेकर जगन्नाथ धाम पहुँचे। बहुत से महात्माओं का वहाँ उन्हें संग मिला। एक दिन रात में वे उन महात्माओं के भाग्य की मन ही मन सराहना करते और यह सोचते सोचते सो गए कि यदि माँ न होती तो मैं भी उनके समान विचरण करते हुए स्वतंत्रता पूर्वक भजन करता। उसी रात जगन्नाथ जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम्हारी माता को मैं शीघ्र अपने धाम में ले लूँगा, तुम मेरी आज्ञा से वृंदावन जाकर भजन करना। कल प्रातःकाल जब तुम मंदिर में मेरे दर्शन करने जाओगे, तुम्हें एक प्रसादी कमल का फूल मिलेगा, उसे मेरा आशीर्वाद जानना। प्रातःकाल जब वे दर्शन को गए तो सचमुच पुजारी जी ने जगन्नाथ जी के चरणों से उठाकर एक कमल का फूल उन्हें दिया। प्रसन्न होकर उन्होंने उस फूल को अपने माथे से लगा लिया। दूसरे दिन जब वे जगन्नाथपुरी से लौट रहे थे, मार्ग में ही उनकी माँ का शरीर छूट गया। भगवान की आज्ञा का स्मरण करके वे अब वृंदावन चले गए। उस समय उनकी उम्र 24 वर्ष की थी। उन्होंने टोपी कुंज के महात्मा श्री कल्याण दास जी महाराज से दीक्षा प्राप्त कर ली। फिर श्री गोपाल दास जी महाराज से शास्त्र अध्ययन करने लगे। उन्हीं से उन्होंने भक्तमाल का भलीभांति अध्ययन किया। भक्तमाल की कथा भी वे करने लगे। भक्तमाल में विशेष विज्ञता के कारण लोग उन्हें भक्तमाली के नाम से पुकारने लगे। बहुत से लोगों ने उनसे भक्तमाल का अध्ययन किया। वृंदावन के श्री जगन्नाथ दास भक्तमाली जी और अयोध्या के रामायणी महात्मा श्री राम सुंदर दास जी भी उन्हीं में से थे। श्री कल्याण दास जी के नित्य धाम पधारने के पश्चात माधव दास जी टोपी कुंज के महंत हुए, पर वे टोपी कुंज में रहते बहुत कम थे। उन्हें वन में विचरना और वृक्षों के तले रहना ही अच्छा लगता, इसलिए वे रमण रेती में वन विहार नाम के स्थान में अधिक रहा करते। इस स्थान की उन्होंने बहुत सेवा की और शायद वन विहार नाम भी उसे इन्होंने ही दिया था। यह स्थान पहले ऊबड़ खाबड़ जंगल था। उन्होंने अपने हाथ से इसकी जमीन सुधार कर इसमें करनी के वृक्ष और भांति भांति के पुष्पों वाली लताएं रोपण कर इसे एक रमणीक उद्यान में परिवर्तित कर दिया। उनका विश्वास था कि यहाँ श्री राधा रानी जी पुष्प चयन करने स्वयं आती हैं, इसलिए वे अपने हाथ से ही इन लताओं को सींचते, इन पर किसी को कपड़े न फैलाने देते, भूमि पर झाड़ू लगाते तो इस बात की सावधानी रखते थे कि झाड़ू लताओं में न लग जाए, उद्यान की घास आदि छीलकर भूमि को परिष्कृत और कोमल बनाए रखते। उन्हें रासलीला से बड़ा प्रेम था। वे वन विहार में अक्सर रासलीला कराया करते। लीलाओं में सांझी लीला विशेष रूप से कराते। उस उद्यान में सांझी लीला की शोभा देखते ही बनती थी। वन की गायें सुक मोर मृग आदि से भी उन्हें विशेष प्रेम था। वे गायों को अपने हाथ से लड्डू खिलाते और सुक आदि को अपने हाथ से दाना चुंगाते। वन के पशु पक्षी उनके इशारे पर भागे चले आते थे। किसी दूसरे आदमी को देखकर वे पुनः वहां से भाग जाते। वे कोई उत्सव करते तो उनके लिए लड्डू पूरी मालपुए आदि पहले से निकाल कर रख लेते थे।
बाबा संतों की सेवा को इष्ट की सेवा से भी अधिक महत्व देते। नित्य भंडारे करते रहते, भंडारों में संतों को दक्षिणा भी देते। यदि कोई कहता कि संतों को दक्षिणा नहीं देनी चाहिए, उन्हें रुपए पैसे से क्या काम, तो वे कहते संतों को भोजन मात्र करा देने का नियम सन्यासियों के लिए है। वैष्णव संत ठाकुर सेवा करते हैं, उन्हें ठाकुर जी के लिए फल फूल धूप आदि की आवश्यकता होती है। उन्हें दक्षिणा में रुपए पैसे जरूर देना चाहिए, क्योंकि वे उसे ठाकुर सेवा में लगाते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से वैष्णव संत पैसे के अभाव के कारण ठाकुर सेवा ठीक से नहीं कर पाते। उनका यह सोचना भी ठीक था कि जब तक पैसे नहीं होंगे तब तक ठाकुर सेवा पूर्ण रूप से कैसे हो पाएगी। प्यारे भक्तों, बाबा के पास एक सिद्ध कमंडल था जिसमें से वे साधुओं को दक्षिणा के रुपये वितरण किया करते थे। एक या दो रुपये से कम कभी न देते। उस समय एक या दो रुपये भी बहुत थे। पंगत में हजार हजार साधु होते तो भी कमंडल की धनराशि कभी कम न पड़ती। पर जो भी हो, इतना निश्चित है कि उन्हें शिष्य सेवकों से जो मिलता उसे किसी न किसी बहाने साधु सेवा में खर्च कर देते, संचय कुछ भी नहीं करते थे। जब भी कोई उनसे कहता आपके पास इतना धन आता है, आप अपने ठाकुर के लिए एक नया मंदिर क्यों नहीं बनवा देते, उनका मंदिर कितना पुराना और जीर्ण शीर्ण हो गया है, तब भी कहते ठाकुर जी अपनी सेवा की अपेक्षा अपने भक्तों की सेवा से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। प्यारे भक्तों, इसमें जरा भी संदेह नहीं कि यह बात बाबा अपने अनुभव से कहते थे। ठाकुर उनसे बहुत प्रसन्न थे, उन्हें अक्सर दर्शन देते थे। वे उनसे भक्तमाल की कथा भी सुनते थे। एक बार बंबई के सेठ लक्ष्मीचंद जी ने उनसे पूछा, बाबा आप कमरा बंद करके जोर जोर से भक्तमाल का पाठ क्यों करते हैं, और कोई तो सुनने वाला वहाँ होता नहीं। बाबा ने कहा, अरे भक्तमाल ठाकुर स्वयं सुनते हैं। सेठ जी को बाबा की इस बात पर विश्वास न हुआ। पर एक दिन जब बाबा दरवाजा बंद किए कमरे में पाठ कर रहे थे, लक्ष्मीचंद जी को दो आवाजें कमरे में से स्पष्ट सुनाई पड़ी। एक बाबा की भक्तमाल पढ़ने की और दूसरी किसी के मधुर कंठ से हुंकारी भरने की। एक बार बाबा वन विहार में ध्यान मग्न बैठे थे। सहसा राधा रानी जी ने उन्हें दर्शन दिए। उस समय उनके मस्तक पर चंद्रिका की जगह मुकुट था, हाथ में नील कमल की जगह वंशी थी, श्री अंग पर नील वर्ण की ओढ़नी की जगह पीतांबर झलमला रहा था। उनकी सारी वेशभूषा श्याम सुंदर की सी थी। तभी से वे उन्हें गोरे लाल जी पुकारने लगे। जय गोरे लाल जी की, जय गोरे लाल जी की, बात बात में कहा करती। माधवदास जी माधुरी अली के नाम से पद रचना भी करते थे। अपने एक पद में उन्होंने गोरे काले दोनों लालाओं अर्थात राधा कृष्ण के दर्शन का बड़ा ही सुंदर वर्णन इस प्रकार किया है। विहरत कुंजन में दो लाल, गौर श्याम की माधुरी मूरत संग सखिन के जाल, गलबैया दय भरे उमंगन चलत मत गज चाल, बात कहत मुस्कात मगन मन सुंदर नयन विशाल, निरखत प्यारी छवि मन मोहन मुख अरविंद रसाल, चकित थकित हुए जय जय बोलत चरण लगावत भाल, तुम ही मम गति प्रेम दुलारी छिन विछुरत बेहाल, माधुरी अली रसीली राधे हर्ष दई भुजमाल। संवत 2001 मंगलवार के दिन बाबा ने वन विहार में अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया। बाबा के बाह्य भाव से स्पष्ट होता था कि उन्हें इस बात का कुछ दिन पूर्व से ही आभास हो गया था। तभी वे टोपी कुंज से अपना बोरिया बिस्तर लेकर वन विहार चले आए थे, और आते ही 7 दिन का अखंड नाम कीर्तन कराने के पश्चात श्री गौरांगदास बाबाजी महाराज और श्री जगन्नाथ दास जी भक्तमाली से कथा भी सुनी थी। उस समय यदि उनसे कोई कुछ बात करता था तो कह देते थे, बोलो नहीं, मुझे अब जाना है, गोरे लाला जी का परिकर आ गया है। शरीर छोड़ने के पूर्व उनकी दशा विलक्षण थी। मुखार विंद पर अपूर्व तेज था, बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं था। वे एक वृक्ष की ओर बड़ी देर से टकटकी लगाए देख रहे थे। बाबा श्री गौरांगदास जी महाराज और पिसाई वाले बाबा आदि कई संत उनके निकट थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी देर से बाबा एकटक उस वृक्ष पर क्या देख रहे हैं।
पिसाई वाले बाबा ने वृक्ष पर चढ़कर जानना चाहा कि जिस ओर बाबा की दृष्टि टिकी उधर क्या है। वहां उन्हें एक तोते के सिवा और कुछ न दिखा। पिसाई वाले बाबा को देख तोता उड़ गया। उसी समय माधवदास बाबा के प्राण पखेरू भी उड़ गए। लोगों ने जब श्री गौरांगदास बाबा से इसका रहस्य पूछा तो उन्होंने कहा कि लीला सुख माधवदास को उनके अंत समय में लीला कथा सुना रहे थे। प्रिय भक्तों, माधवदास बाबा जी की कथाओं में और विशेष रूप से लीला कथाओं में अद्भुत रुचि थी। यह इस बात से स्पष्ट है कि उन्होंने शरीर छोड़ने के दो दिन पूर्व श्री जगन्नाथ दास भक्तमाली से भक्तमाल की कथा सुनी और उसके पश्चात मौन धारण कर लिया। व्रज में भक्तमाल की कथाओं के प्रचार और प्रसार का श्रेय मुख्य रूप से माधवदास बाबा को ही है। उनकी वृंदावन को सबसे बड़ी देन है उनके शिक्षा शिष्य श्री जगन्नाथ दास भक्तमाली जी, जो उन्हीं की तरह भक्तमाल के प्रचार में तन मन से संलग्न रहते थे। उनके भक्तिरस से परिपूर्ण हृदय से निकली हुई भक्तमाल की कथा सुनकर लोग उसी प्रकार आनंद विभोर हो उठते थे जिस प्रकार माधवदास बाबा की कथाओं से होते थे। प्यारे भक्तों, सच ही है, भगवान की भक्ति के बिना इस अमूल्य जीवन का कोई मोल नहीं, कोई अर्थ नहीं। इसीलिए हमें निरंतर भगवान के भजन में संलग्न रहना चाहिए। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से निवेदन है कि प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।